हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स सेशन ऑफ 16 नवंबर, इन विच वी विल कवर इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज न्यूमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट रिलीज एनुअली बाय द इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर। जो न्यूमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसको रिलीज किया जाता है एनुअली इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर के द्वारा। हाईलाइट ऑफ दिस ईयर रिपोर्ट, हाईलाइट इस ईयर के रिपोर्ट के बारे में हम कुछ जान लें। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इज वैक्सीनेशन कवरेज टू प्रिवेंट चाइल्ड न्यूमोनिया एंड डायरिया डेथ। इंडिया सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है अपने वैक्सीनेशन कवरेज में, ताकि वो प्रिवेंट कर सके चाइल्ड न्यूमोनिया और डायरिया डेथ को। ऑल्दो ओवरऑल द वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट चिल्ड्रेन हैव एक्सेस टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सर्विस, इंडिया हैज अचीव द ग्लोबल टारगेट ऑफ 90% कवरेज फॉर 3 of the 5 वैक्सीन हुज कवरेज इज मॉनिटर इन द रिपोर्ट। जो ओवरऑल वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम है वो फॉल कर रहा है, जो इंश्योर करना था कि चिल्ड्रेन को एक्सेस हो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट सर्विस का, लेकिन इंडिया जो है वो अचीव किया है ग्लोबल टारगेट 90% कवरेज का 3 out of 5 वैक्सीन में, जिसका कवरेज मॉनिटर किया गया है इस रिपोर्ट में। दिस वैक्सीन आर डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टिथिस एंड टेटनस वैक्सीन, मीजल कंटेनिंग वैक्सीन फर्स्ट डोज, हेमोफेलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल कॉन्जिगेट वैक्सीन एंड रोटा वायरस वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है वो डीपीटी का वैक्सीन है, मीजल कंटेनिंग वैक्सीन का पहला डोज, हेमोफेलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, न्यूमोकोकल कॉन्जिगेट वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन है। इंडिया इज ऑल्सो कम्प्लीटेड द 100-day एजेंडा एंड अनप्रेसिडेंटेड नेशनल स्केल अप ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। दिस लैंडमार्क वैक्सीन एक्सपेंशन विल हेल्प प्रोटेक्ट 26 million बोर्न ईच ईयर अगेंस्ट द थ्रेटनिंग केसेस ऑफ रोटा वायरस डायरिया। इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है 100-day एजेंडा को, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड नेशनल स्केल अप है रोटा वायरस वैक्सीन के लिए। ये लैंडमार्क वैक्सीन एक्सपेंशन जो है वो मदद करेगा प्रोटेक्ट करने में 26 million चिल्ड्रेन को, जो कि हर एक साल बॉर्न कर रहे हैं, अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग केसेस ऑफ रोटा वायरस डायरिया से। हाउएवर इंडिया फेल टू रीच ऑल 4 टारगेट फॉर ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, केयर सीकिंग एंड एंटीबायोटिक्स, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एंड जीन सप्लीमेंटेशन। लेकिन इंडिया जो है वो फेल किया ऑल 4 टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट में, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, केयर सीकिंग एंड एंटीबायोटिक, ओरल रिहाइड्रेशन एंड जिंक सप्लीमेंटेशन पे। न्यूमोनिया एंड डायरिया आर लीडिंग किलर्स ऑफ द वर्ल्ड यंगेस्ट चिल्ड्रेन, अकाउंटिंग फॉर 29% ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रेन अंडर एज 5 और मोर देन 2 million लाइफ लॉस्ट इस ईयर, येट लेवल ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट रिमेन लो पार्टिकुलरली अमंग द पुअर। जो न्यूमोनिया और डायरिया, इसके कारण वर्ल्ड के यंगेस्ट चिल्ड्रेन सबसे ज्यादा मरते हैं। अकॉर्डिंगली 29% डेथ जो है पूरे वर्ल्ड में इसी के कारण होता है अंडर एज ऑफ 5 ईयर, और मोर देन 2 million लाइफ जो हर एक साल न्यूमोनिया और डायरिया रिलेटेड डेथ के कारण होता है। उसके बावजूद भी इसका जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है काफी कम है, पार्टिकुलरली अमंग पुअर के बीच में। ये आप देख सकते हैं इमेज को, एयरवे, लंग्स, एल्वियोली फ्लूइड, एल्वियोली। तो न्यूमोनिया है क्या? तो न्यूमोनिया एक लंग इन्फेक्शन है, जो कि अफेक्ट करता है एयर सैक, एल्वियोली को एट द एंड ऑफ एयरवेज। ये जो इन्फेक्शन है वो इंटरफेयर करता है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर सैक इनटू द ब्लड, और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड जो होता है उसको हिंडर करता है, जिस कारण हमें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट इज साइनो-ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। इट इज एन एग्रीमेंट साइन बाय ब्रिटेन एंड चाइना इन 1984 टू सेटल द फ्यूचर ऑफ हांगकांग। ये एक एग्रीमेंट था जो कि साइन किया गया था ब्रिटेन एंड चाइना के द्वारा 1984 में, ताकि सेटल किया जाए जो फ्यूचर है हांगकांग का। द टू गवर्नमेंट एग्रीड चाइना वुड रीअज्यूम कंट्रोल ऑफ हांगकांग विच वॉज ऑक्युपाइड बाई ब्रिटेन आफ्टर द ओपियम वॉर इन 1840 फ्रॉम July 1, 1997। जो दो गवर्नमेंट थे दोनों तैयार हो गए कि चाइना रीअज्यूम करेगा कंट्रोल हांगकांग के ऊपर, जिसको कि ऑक्युपाई किया गया था ब्रिटेन के द्वारा ओपियम वॉर में 1840 पे फ्रॉम July 1, 1997 बाद से। द डिक्लेरेशन वाज लेटर डिपॉजिटेड विद द यूनाइटेड नेशन, और जो डिक्लेरेशन था उसको बाद में डिपॉजिट किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। मेन पॉइंट ऑफ द जॉइंट डिक्लेरेशन, जो जॉइंट डिक्लेरेशन ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुआ उसका मेन पॉइंट हम देख ले। इट स्टेट्स दैट चाइना बेसिक पॉलिसी रिगार्डिंग हांगकांग विच विल रिमेन अनचेंज फॉर 50 ईयर, इंक्लूडिंग द प्रॉमिस दैट सिटी वुड रिटेन ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। इसमें यह कहा गया कि चाइना का जो बेसिक पॉलिसी है रिगार्डिंग हांगकांग को लेकर वो अनचेंज रहेगा 50 ईयर तक, जिसमें कि प्रॉमिस था कि सिटी को हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दिया जाएगा। Also state that Hong Kong legal and judicial system would also be unchanged for 50 year up till 1997। और ये भी कहा गया कि Hong Kong का जो legal और judicial system है उसको भी unchanged, कोई भी change नहीं किया जाएगा 50 years तक up till 1997 के। इट हेल्ड डेट ब्रिटेन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हांगकांग अंटिल 1997 एंड द चाइनीज गवर्नमेंट वुड गिव इट ऑपरेशन। ये कहा गया कि ब्रिटेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हांगकांग का अंटिल 1997 तक, और चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो मदद करेगा कॉपरेशन में। न्यूज में क्यों आया? ब्रिटिश हैज एक्यूज चाइना ऑफ ब्रेकिंग इट्स इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन आफ्टर 4 प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर्स वेर आउस्टेड फ्रॉम हांगकांग लेजिस्लेचर ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड। ब्रिटिश ने एक्यूज किया चाइना को कि वो
तोड़ा है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन को जब चार प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर को ऑब्जर्व किया गया हांगकांग के लेजिस्लेचर से सिक्योरिटी ग्राउंड के कारण। ब्रिटेन सेड दैट न्यू रूल टू डिस्क्वालीफाई इलेक्टेड असेंबली मेंबर वाज ए क्लियर ब्रीच ऑफ लीगली बाइंडिंग साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। अब ब्रिटिश का कहना है कि जो न्यू रूल है जो कि डिस्क्वालीफाई किया इलेक्टेड असेंबली मेंबर को वो क्लियर ब्रीच है लीगली बाइंडिंग साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन का। इज द जॉइंट डिक्लेरेशन स्टिल वैलिड नाउ दैट बीजिंग गवर्न हांगकांग? क्या ये जॉइंट डिक्लेरेशन अभी भी वैलिड है जब बीजिंग गवर्न कर रहा हांगकांग को? द हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी दैट बीजिंग प्लेड टू ग्रेट ग्रांट हांगकांग हैज बीन ए थॉर्नी सब्जेक्ट सिंस 1997 हैंडओवर। जो हाई डिग्री था ऑटोनॉमी को लेकर बीजिंग जिसको प्लेस किया था कि वो देगा हांगकांग को, वो एक थॉर्नी सब्जेक्ट है 1997 के बाद से ही। द इश्यू वॉज एक्सकलेबरेटेड इन जून 2014 व्हेन द स्टेट काउंसिल रिलीज ए व्हाइट पेपर स्टेटिंग दैट बीजिंग हैज कंप्रेहेंसिव ज्यूरिसडिक्शन ओवर हांगकांग। ये इश्यू और ज्यादा बढ़ गया जून 2014 के बाद जब स्टेट काउंसिल ने रिलीज किया एक व्हाइट पेपर ये बताते हुए कि बीजिंग जो है वो कंप्रेहेंसिव ज्यूरिसडिक्शन कर रहा हांगकांग के ऊपर। नाउ चाइना सेड द डिक्लेरेशन वॉज now void and covered only the period from signing of 1984 until the handover in 1997. अब चाइना का कहना है कि जो declaration था वो सिर्फ valid था तब तक के लिए ही जब वो sign किया गया था 1984 से जब तक कि handover नहीं हुआ था 1997 तक। But the Britain argued that the agreement remained in effect and was a legally binding agreement that must be honored. लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि ये agreement जो है वो effective है और legally binding agreement है जिसको कि honor करना चाहिए। ये आप देख सकते हैं हांगकांग का location, आपको north में चाइना है, इधर लैंटुआ, इधर हांगकांग आइलैंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। नॉर्थ कोरिया हैज एक्यूज IAEA ऑफ बीइंग अ पपेट ऑफ हॉस्टाइल कंट्री आफ्टर अ न्यू रिपोर्ट सेड नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल वाज ब्रेकिंग इंटरनेशनल लॉ। नॉर्थ कोरिया ने एक्यूज किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि वो एक पपेट बनकर रह गया हॉस्टाइल कंट्रीज का जब न्यू रिपोर्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया जिसमें यह बताया गया कि नॉर्थ कोरिया जो है न्यूक्लियर वेपन का स्टॉकपाइल कर रहा है, वो तोड़ रहा है इंटरनेशनल लॉ को। ऑब्जर्वेशन मेड बाय नॉर्थ कोरिया, जो ऑब्जर्वेशन किया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा, द IAEA इज नॉट मोर देन ए पॉलिटिकल टूल ऑफ वेस्टर्न कंट्री। कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो अब पॉलिटिकल टूल से ज्यादा कुछ नहीं रह गया वेस्टर्न कंट्री का। इट वॉज ए मेरिनेट डांसिंग टू द ट्यून ऑफ हॉस्टाइल फोर्सेज अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। और ये एक मेरिनेट डांसिंग ट्यून है हॉस्टाइल फोर्सेज का नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। इश्यू क्या है? प्योंगयांग हैज ग्रेजुअली बिल्ट एन एटॉमिक स्टॉकपाइल आफ्टर अबैंडनिंग द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इन 2003 एंड हैज टेस्टेड सेवरल न्यूक्लियर बम इन द ईयर सिंस। प्योंगयांग ने ग्रेजुअली बिल्ट किया एटॉमिक स्टॉकपाइल अब जब उसने अबैंडन कर दिया था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को 2003 पे, और उसके बाद से उसने टेस्ट किया बहुत सारा न्यूक्लियर बम को हाल के सालों में। बिसाइड IAEA इंस्पेक्शन हैव नॉट बीन अलाउड इन टू द कंट्रीज फॉर मोर देन ए डिकेड। और जो IAEA का इंस्पेक्शन है वो नहीं अलाउड किया गया है कंट्री में मोर देन ए डिकेड। इसलिए IAEA ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया कि प्योंगयांग वेपन प्रोग्राम जो है वो डीपली रिग्रेटेबल है और कंट्री के न्यूक्लियर एक्टिविटीज के लिए, और ये काउज है सीरियस कॉन्सर्न का। अब हम IAEA के बारे में जान लें। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेटअप एज द वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957 विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली। इसको सेटअप किया गया था वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1957 में यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंतर्गत ही। रिपोर्ट टू बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ये रिपोर्ट करता है दोनों को, UNGA को और UNSC को। इसका हेडक्वार्टर जो वेना ऑस्ट्रेलिया पर है। फंक्शन क्या है IAEA का? वर्क विथ इज मेंबर स्टेट एंड मल्टीपल पार्टनर वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट दिस सेफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये वर्क करता है अपने मेंबर स्टेट के साथ और मल्टीपल पार्टनर के साथ वर्ल्ड वाइड ताकि ये प्रमोट कर सके सेफ सिक्योर और पीसफुल यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। सीक टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट इट यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन। और ये जो है प्रमोट करता है कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का और रोकता है यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन का किसी भी मिलिट्री पर्पज से जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर 22 मेंबर स्टेट मस्ट प्रेजेंट स्टिपुलेटेड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इलेक्टेड बाई जनरल कॉन्फ्रेंस 11 मेंबर एवरी ईयर टू ईयर टर्म। जो 22 मेंबर स्टेट है उसमें मस्ट रिप्रेजेंट करना चाहिए ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से। इलेक्ट किया जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस में 11th मेंबर हर एक साल टू ईयर्स के टर्म के लिए। एटलीस्ट 10 मेंबर स्टेट जिसको कि नॉमिनेट किया जाता है आउट गोइंग बोर्ड के द्वारा। बोर्ड मेंबर सबके पास एक एक बोर्ड का अधिकार है। फंक्शन क्या है बोर्ड ऑफ गवर्नर का? रिकमेंडेशन टू जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन IAEA एक्टिविटी एंड बजट। ये रिकमेंडेशन देता है जनरल कॉन्फ्रेंस के बारे में IAEA की एक्टिविटी और बजट का। रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग IAEA स्टैंडर्ड, ये रिस्पॉन्सिबल है पब्लिश करने के लिए IAEA स्टैंडर्ड को। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मोस्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ IAEA, रिस्पॉन्सिबल है ज्यादातर पॉलिसी बनाने के लिए IAEA का। अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू जनरल कॉन्फ्रेंस अप्रूवल, अपॉइंट करता है डायरेक्टर जनरल को लेकिन इसमें कंडीशन है कि जनरल कॉन्फ्रेंस का अप्रूवल जरूरी है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा चाइना होल्ड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विद साउथ एशियन पार्टनर। चाइना ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया है साउथ एशियन पार्टनर के साथ। तो पार्टिसिपेंट कंट्री कौन कौन से है? चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव, द पार्टिसिपेंट डिस्कस कलेक्टिव रिस्पॉन्स टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे जो सेकेंड वेव आएगा कोविड-19 का। उससे पार्टिसिपेटिंग कंट्री कॉल देमसेल्फ द फाइव पार्टीज, और जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है वो खुद को द फाइव पार्टीज कह रहे हैं। सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीफिकेशन ऑफ द मीट, जो सिग्निफिकेंस और इम्प्लीफिकेशन क्या होगा इस मीटिंग का? द वर्चुअल मीट कम्स लेस देन फोर मंथ आफ्टर चाइना चेयर ए क्वाड्रिलेटरल मीट विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान इन अ बिड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग द फोर नेशन इन पेंडेमिक रिस्पॉन्स एंड इकोनॉमिक रिकवरी। ये जो वर्चुअल मीट है वो लेस देन फोर मंथ के अंदर हुआ, जब चाइना ने चेयर किया था क्वाड्रिलेटरल मीट को फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान के साथ। ये जो बिड है वो स्ट्रेंथन करने के लिए कोऑपरेशन अमंग फोर नेशन के बीच में पेंडेमिक रिस्पॉन्स और इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर। द टू वर्चुअल मीट अपीयर पार्ट ऑफ चाइना ग्रोइंग एंगेजमेंट इन द रीजन इन द वेक ऑफ ग्लोबल पेंडेमिक, और जो दो वर्चुअल मीटिंग हुआ वो अपीयर होता है कि चाइना का जो ग्रोइंग एंगेजमेंट है इस रीजन में इस कारण है इन द वेक ऑफ ग्लोबल पेंडेमिक को देखते हुए। सारनाथ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सारनाथ इज अ प्लेस लोकेटेड 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी सिटी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगेज एंड द वरुणा रिवर इन उत्तर प्रदेश इंडिया। तो सारनाथ एक प्लेस जो कि लोकेटेड है 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में वाराणसी सिटी से नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और वरुणा रिवर के उत्तर प्रदेश इंडिया पे। इन एंशियंट टाइम दिस प्लेस वॉज नोन बाई मेनी नेम सच एज इसीपटाना, ऋषिपटाना, मृगडवना और मृगदया। एंशियंट टाइम इस प्लेस को और भी अलग अलग नामों से जानते थे, जैसे कि इसीपटाना हो गया, ऋषिपटाना, मृगदवा, मृगदया। द वर्ड सारनाथ कम फ्रॉम द नेम सरगंथा लॉर्ड ऑफ डियर, जो वर्ड सारनाथ है वो आया है नाम सरगंथा लॉर्ड ऑफ डियर से। इट इज द साइट ऑफ बुद्धा धर्म चक्र प्रवर्तना सूता विच वॉज इट फर्स्ट टीचिंग आफ्टर अटेनिंग इन एनलाइटमेंट इन विच ही टॉट द फोर नोबल ट्रूथ एंड द टीचिंग एसोसिएटेड विद इट। ये जो सारनाथ है वो साइट है बुद्धा धर्म चक्र प्रवर्तना सूता का, जो कि फर्स्ट टीचिंग जब वो निर्वाण अटेंड कर लिए थे उसके बाद वहां पे दिए थे, जहां पे उन्होंने दिया था फोर नोबल ट्रूथ को और टीचिंग अपने एसोसिएट को। धर्म जी का स्टूपा इज वन सेड टू हैव बीन बिल्ट बाय अशोका टू कमरेट बुद्धा फर्स्ट सर्मन, और जो धर्मराज जी का स्टूपा है वो बनाया गया अशोक के समय पे ताकि जो कमरेट कर सके बुद्धा के फर्स्ट सर्मन को सारनाथ में ही। अलेक्जेंडर कनिंगम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सकेवेटेड द धामेक धर्म जका एंड चखंडी स्टूपा अलोंग विद मोनेस्ट्री एंड टेम्पल बिटवीन 1834 एंड 1836। और जो अलेक्जेंडर कनिंगम जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है अलेक्जेंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक्सकेवेट किया था धामेक धर्म जका और चखंडी स्टूपा को अलोंग विद मोनेस्ट्री और टेम्पल के साथ बिटवीन 1834 से 1836 के बीच में। चाइनीज पिलग्रिम ह्वान सांग 602 टू 664 लेफ्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द धर्म जका स्टूपा एंड अशोक लायन पिलर। जो चाइनीज पिलग्रिम था ह्वान सांग 602 से 664 एडी में उसने डिटेल अकाउंट छोड़ा है धर्म जका स्टूपा और अशोक लायन पिलर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल लाइसेंसिंग इन टेलीकॉम, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। द ग्रांट ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस इन इंडिया इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933। जो टेलीग्राम लाइसेंस दिया जाता है इंडिया में उसको प्राइमरली गवर्न किया जाता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 से। दिस एक्ट प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड वर्किंग टेलीग्राफ एंड वायरलेस टेलीग्राफी इक्विपमेंट एंड टू ग्रांट लाइसेंस फॉर सच एक्टिविटी। ये जो एक्ट वो प्रोवाइड करता है एक्सक्लूसिव अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है वर्किंग टेलीग्राफ और वायरलेस टेलीग्राफी इक्विपमेंट को और ग्रांट कर सकता है लाइसेंस उस वैसे एक्टिविटी को। द 1885 एक्ट डिफाइन टेलीग्राफ एज एन एनी अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल और अपैरेटस यूज्ड और कैपेबल फॉर यूज ऑफ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ साइन, सिग्नल, राइटिंग, इमेज एंड साउंड और इंटेलिजेंस ऑफ एनी नेचर बाय वायर, विजुअल और अदर इलेक्ट्रॉनिक इमिशन, रेडियो वेव और हल्सिजियन वेव, गैल्वेनिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव। जो 1885 का एक्ट वो डिफाइन करता है टेलीग्राफ को कि वो कोई भी अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट, मटेरियल और अपैरेटस हो सकता है जिसका कि यूज हो, कैपेबल हो वो यूज करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए रिसेप्शन ऑफ साइन, सिग्नल, राइटिंग, इमेज और साउंड और इंटेलिजेंस किसी भी नेचर ऑफ वायर, विजुअल और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमिशन, रेडियो वेव और हल्सिजियन वेव, गैल्वेनिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मीन्स के द्वारा। इन 2003 यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस यूएसएल रिजाइन वॉज इंट्रोड्यूस विच परमिटेड एन एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर टू ऑफर बोथ फिक्स एंड मोबाइल सर्विस अंडर द सेम लाइसेंस यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी। इट केम इन टू बींग इन 2003 में यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस रिजाइम ने इंट्रोड्यूस किया जो कि परमिट किया एक्सेस जो है सर्विस प्रोवाइडर को कि वो ऑफर करेगा बोथ फिक्स और मोबाइल सर्विस सेम लाइसेंस के अंतर्गत यूज करते हुए टेक्नोलॉजी का। ये जो है फोर्स में आया 2013 में।
In 2012, the National Telecom Policy was issued with the aim to simplify the licensing framework and to strive for creation of one nation, one license across service and service areas. 2012 में National Telecom Policy जो था उसको issue किया गया था, उसका aim था कि simplify किया जाए licensing framework को और strive किया जाए जो creation है one nation, one license का across service और service area पे. Recently, various telecom operator have collectively opposed the move to introduce differential licensing via unbundling of various layer, infrastructure, network, service and application layer. अभी हाल ही में various telecom operator ने collectively oppose किया है जो move है introduce करने का डिफरेंशियल लाइसेंस का, जिसमें अनबंडलिंग की बात की गई है अलग अलग लेयर को, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, सर्विस, एप्लीकेशन लेयर. In 2019, National Digital Communication Policy 2018, under its Propel India Mission, envisages reforming the license and regulatory regime to catalyze investment and innovation and promote ease of doing business. 2019 में जो National Digital Communication Policy था 2018 का, इसके अंदर Propel India Mission जो कि बोल रहा था रिफॉर्म लाने के लिए लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी रिजाइम पे, ताकि कैटेलाइज किया जा सके इन्वेस्टमेंट को, इनोवेशन को, ताकि प्रमोट किया जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इस फील्ड पे. Enabling unbundling of different layer through differential license is one of the action plan for fulfilling this strategy. और enable करना, unbundle करना अलग अलग layer को differential license के द्वारा, ये एक action plan था जो कि fulfill करेगा इसके strategy को. For that, the Telecom Regulatory Authority of India TRAI was requested to furnish recommendation and seek stakeholder input on possible benefit and measures. इसके लिए जो Telecom Regulatory Authority of India TRAI को request किया गया कि वो furnish करे recommendation को और seek ले stakeholder का input ले possible बेनिफिट और मेजर्स को लेके. प्रोपेल इंडिया है क्या? प्रोपेल इंडिया मिशन इज वन ऑफ द थ्री मिशन लॉन्च अंडर द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी इन 2018. इट एम्स टू इनेबल नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस थ्रू इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड आईपीआर जनरेशन. प्रोपेल इंडिया मिशन जो है वो वन ऑफ द थ्री मिशन है जिसको कि लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 का. इसका मकसद था कि इनेबल करें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को, सर्विस को थ्रू इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और आईपीआर जनरेशन के द्वारा. इट ऑल्सो एम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ $100 billion इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर, एक्सपेंड आईओटी इकोसिस्टम टू 5 billion कनेक्टेड डिवाइसेज एंड एक्सेलरेट ट्रांजिशन टू इंडस्ट्री 4.0 बाय 2022. इसका यह भी मकसद था कि अट्रैक्ट करें हम इन्वेस्टमेंट $100 billion का डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर पे, एक्सपेंड करें इंटरनेट ऑफ थिंग इकोसिस्टम को 5 billion कनेक्टेड डिवाइस तक और एक्सेलरेट करें ट्रांजिशन इंडस्ट्री 4.0 को बाय 2022 तक. ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन आर एज फॉलो. जो प्रोपेल इंडिया मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से है, क्रिएशन ऑफ इनोवेशन लेड स्टार्टअप इन डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर. हमको क्रिएट करना है इनोवेशन लेड स्टार्टअप डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर पे. क्रिएशन ऑफ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आईपीआर इन इंडिया. क्रिएट करना है ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया पे. डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. डेवलप करना है एक स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के. ट्रेन रीस्किल 1 million मैन पावर फॉर बिल्डिंग न्यू एज स्किल. ट्रेन करना है, स्किल करना है 1 million मैन पावर को, ताकि बिल्ड किया जा सके न्यू एज स्किल को. आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में हम ब्रीफली समझ ले. तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा न्यूमोनिया एंड डायरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट. इसमें हम लोगों ने देखा हु रिलीज दिस रिपोर्ट, उसके बाद रिपोर्ट के हाईलाइट को जाना. इंडिया ने कंप्लीट कर लिया 100-day एजेंडा, इसको कंसीडर किया. फिर इंडिया जो फेल किया 4 टारगेट को रीच करने पे ट्रीटमेंट को, उसके बारे में जाना वो कौन कौन से है, न्यूमोनिया के बारे में भी जाना. देन हम लोगों ने किया व्हाट इज साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन, तो एग्रीमेंट साइन बिटवीन किस कंट्री के बीच में कब और क्यों हुआ. मेन पॉइंट क्या है जॉइंट डिक्लेरेशन का, न्यूज में क्यों आया, क्या ये डिक्लेरेशन अभी भी वैलिड है. उसके बाद हम लोगों ने किया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, तो न्यूज में क्यों आया. ऑब्जर्वेशन जो कि किया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा, इश्यूज क्या है. फिर IAEA के बारे में जाना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखा, फंक्शन देखा, बोर्ड ऑफ गवर्नर के बारे में और उसके फंक्शन को देखा. देन हम लोगों ने कंसिडर किया चाइना होल्ड वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विद साउथ एशियन पार्टनर. इसमें हम लोगों ने देखा कि पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाई दे कॉल देमसेल्फ, फिर सिग्निफिकेंस और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा मीटिंग का. देन हम लोगों ने किया सारनाथ, तो इसमें हम लोगों ने देखा इसका लोकेशन, फिर एंशियंट टाइम में इसको और किस किस नामों से हम जानते थे, वो सारनाथ का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, फिर बुद्धा का रिलेशन सारनाथ से. और लास्ट टॉपिक था हमारा डिफरेंशियल लाइसेंसिंग इन टेलीकॉम. इसमें हम लोगों ने टेलीकॉम लाइसेंस गवर्न बाय विच एक्ट ये जाना, फिर व्हाट दिस एक्ट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है, 1885 के एक्ट में क्या था, फिर UASL को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में, उसके बाद फर्दर जो प्रोग्रेस किया गया उसके बारे में समझा. और लास्टली हम लोगों ने इसी के अंदर डिफरेंशियल लाइसेंसिंग में प्रोपेल इंडिया के मिशन के बारे में जाना और उसके ऑब्जेक्टिव को समझा. जो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ये हमारा सोशल मीडिया लिंक है, आप इसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.